अगर आपके बच्चे सब्जियां और अंडे नहीं खाते तो बनाए इस तरह से मज़ेदार से सैंडविच की रेसिपी जो वो बहुत शौक से खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। तो मैं हूँ फिज़ा, वेलकम करती हूँ आपको लाजवाब पकवान में। लाजवाब पकवान में आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कम टाइम में बनने वाले ऐसे मज़ेदार सैंडविच जिनको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और घर पर पड़ी हुई चीज़ों से आप इनको बना सकते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। चलिए जी इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। चलिए जी, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है बंद गोभी, एक छोटा छोटा फूल गोभी का पीस लिया है, आधा बारीक काट लिया है। उसके साथ मैंने लिया गाजर, दो गाजर लिए हैं और अंडे नहीं खाते तो बनाए कुछ कर लिया मज़ेदार से सैंडविच में। दो अंडे बॉईल किए हुए बहुत शौक से खाएंगे, इसको मैं शेयर करके यहां पर ऐड कर देती हूं। कद्दूकस कर सकते हैं आप कद्दूकस की मदद से। मैं हूं फिजा, वेलकम करती हूं आपको लाजवाब पकवान में। लाजवाब पकवान में आज बहुत ज्यादा बारीक नहीं करना, नहीं तो बहुत ज्यादा कचूमर बन जाएगा। बहुत ही कम टाइम में बनने वाले ऐसे मज़ेदार सैंडविच जल्दी से फटाफट से बनने वाले रेसिपी बच्चों को लंच बॉक्स में आपने जल्दी से कुछ बना कर देना है। आप इनको बना सकते हैं बिना टाइम को शाम की चाय के साथ आपको कुछ इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। खाने का कर रहा जो जल्दी में फटाफट से बन जाए तो आप इन सैंडविच को बना सकते हैं। चले जी, सबसे पहले मैंने यहां पर लिया है बंद गोभी, एक छोटा फूल था मैंने इसमें ऐड किया है काली मिर्च पाउडर का बारीक बारीक और हाफ टी स्पून पूरी मैं इसमें ऐड करूंगी नमक का। बस यही दो चीजें मिक्स करते तो बनाएंगे बहुत ज्यादा मसालेदार नहीं करेंगे इसकी रेसिपी। अब मैं इसमें ऐड करती हूं तकरीबन 3 टेबलस्पून मायोनीज की, क्वांटिटी आप कम ही रखिएगा क्योंकि अगर ज्यादा रखी तो मिक्सचर जो है वो ज्यादा लिक्विडी हो जाएगा जब बना रहे हैं, जो बहुत ही टेस्ट भी अच्छा नहीं लगेगा। बहुत ही कम टाइम में बनने वाले ऐसे मज़ेदार सैंडविच ब्रेड के स्लाइसेस को बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। ये कॉर्नर को हम रिमूव कर देंगे चीजों से आप इनको बना सकते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। जो लोग डाइट कर रहे हैं तो वो ब्राउन ब्रेड स्टार्ट कर लें, उनके भी कॉर्नर अच्छे से रिमूव कर लीजिएगा। और अब यहाँ पर लेती हूँ मिक्सचर, यहाँ पर हमने कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी, भर भर के मिक्सचर को ऐड करना है क्योंकि जिसको मैंने इसके अंदर हेल्दी चीजें ऐड की है, हमने कुछ भी ऐसा यूज नहीं किया। अगर आपके बच्चे जो कि अनहेल्दी भर के हमने यूज करना है, दूसरा जो ब्रेड का स्लाइस होगा सैंडविच की हम कवर लगा देंगे इसी तरह से एक और ब्रेड खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कैसे हैं जी आप सब। के अंदर मैं फिलिंग मैंने भर भर के ऐड की आपको लाजवाब पकवान में। लाजवाब हेल्दी सैंडविच है बच्चों के लिए, स्पेशली जो वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं नहीं खाते टाइम में बनने वाले ऐसे मजेदार सैंडविच इनको बहुत ही मजे के लगेंगे, बहुत ही ज्यादा आसान है कि हमें और घर पर पड़ी हुई चीजों से आप इनको बना सकते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। सारे रेडी कर लेते हैं, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं, छुरी की मदद से कट लगा लेनी है, आसानी से बनने वाले सैंडविच ना हमने इनको मैंने यहां पर लिया है बंद गोभी, हमने एक छोटा फूल था बंद गोभी का जिसको मैंने आधा बारीक ब्रेक करना है बगैर मेकर के। अगर आपके बच्चे ऑयल के ये सैंडविच के नहीं खाते तो बनाए इस तरह से मजेदार से सैंडविच की रेसिपी बनने वाली है जो वो बहुत शौक से खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मजेदार सैंडविच कैसे हैं जी आप सब। तो मैं हूं फिजा, वेलकम करती हूं आपको लाजवाब पकवान में। आज हम बना रहे हैं अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें, बहुत ही कम टाइम में बनने वाले ऐसे मजेदार सैंडविच कर दें कि आपको बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है और घर पर पड़ी हुई चीजों से आप इनको बना सकते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, आपको भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने की बात। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है बंद गोभी, एक छोटा